दोस्तों आपके सामने हाजिर है आपका अपना दोस्त संजय भंडारी। आज मैं रिव्यू करूंगा उस फिल्म का जिसका हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे हैं, मैं रिव्यू करूंगा फिल्म आज दबंग 3 का, जिसमें है डैशिंग सुपरस्टार दबंग कुमार सलमान खान। हिंदी फिल्में जो होती हैं वो मनोरंजन का बहुत बड़ा माध्यम होती हैं, लेकिन सलमान खान की जो फिल्में होती हैं उसमें केवल मनोरंजन नहीं होता है, उसमें होता है सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, उन सभी फैंस के लिए जो सलमान खान को बहुत पसंद करते हैं या उन लोगों के लिए जो सलमान खान की मूवी को पसंद करते हैं। सलमान खान की फिल्मों में होती हैं सीटियां, तालियां, लोग अपनी सीटों के पास में नाचने लग जाते हैं, कुछ लोग पर्दे तक पहुंच जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल मिला मुझे आज AMC साउथ फील्ड मिशिगन में, जहां लोग सीटियां और तालियों के गड़गड़ाहट से फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इंडिया के किसी थिएटर में बैठा हूं जहां पर अक्सर ये माहौल देखने को मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं कहानी और स्क्रीन प्ले की। तो कहानी और स्क्रीन प्ले जो है इस फिल्म का इतना दमदार नहीं है और इसकी पुरानी कुछ फिल्मों जैसे ही है दबंग वाली। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे ने इसकी कहानी लिखी है और स्क्रिप्ट लिखी है, और स्क्रीन पे भी इसका थोड़ा सा मतलब झोल वाला है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो डिफरेंस है वो है सलमान खान। स्क्रिप्ट की कमी को देखते हुए डायरेक्टर प्रभु देवा के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फिल्म को कैसे बचाया जाए, और उन्हें यह कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी कुछ दिखाएंगे स्क्रीन पे उसको सलमान खान अपने एक्ट से, अपने मैनरिज्म से और अपने डैशिंग स्टाइल से फिल्म को बचा लेंगे, और वही सलमान खान ने कोशिश की है। सलमान खान इसमें इतने यंग, एनर्जेटिक लगे हैं और डैशिंग लगे हैं कि कितने भी कमजोर डायलॉग हों, डायलॉग बहुत अच्छे नहीं फिल्म में। आइए बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, बहुत दमदार नहीं है और यादगार नहीं है, मतलब मेमोरेबल नहीं है। इसकी जो पहले की फिल्में थी दबंग वाली, तो उसमें जैसे गाने थे तेरे मस्त मस्त दो नैन, या फिर मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो कुछ इसी टाइप के गाने कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो बात नहीं आ पाई जो इन दो गानों में आई थी। गाने फिल्म में देखने के लिए दर्शनीय है, देखने में मजा आता है क्योंकि कोरियोग्राफी अच्छी है और सलमान खान और उसके जो साथी हैं लड़के लड़कियां सब, तो जो हुल्लड़ मचाते हैं गानों में, तो इसलिए आपका गाने की मेलोडी की तरफ या उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है, आपका ध्यान जाता है केवल स्क्रीन पे जिसमें केवल मस्तियां चल रही है। एक गाना है मुन्ना बदनाम हुआ, तो उस गाने में सलमान खान के साथ प्रभु देवा भी डांस करते हैं और उन दोनों को स्क्रीन पे देखकर बहुत मजा आता है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो कमजोर कहानी और कमजोर स्क्रीन पे वाली इस फिल्म में अगर कोई इस फिल्म में जान डाल पाता है तो वह सलमान खान की एक्टिंग। सलमान खान ने इस फिल्म में बहुत मस्ती की है और लोगों को बहुत मस्ती कराई है। साई प्रांजपे जो नई हीरोइन है, महेश मांजरेकर की जो बेटी हैं, उनका भी काम अच्छा है, बहुत क्यूट लगी हैं, बहुत इनोसेंट लगी, मासूम लगी हैं, लेकिन इनको थोड़ी एक्टिंग में और मेहनत करनी पड़ेगी। सोनाक्षी सिन्हा टिपिकल अपने उसी फॉर्म में है। सुदीप जो इसके विलन हैं वो रियल में बहुत खतरनाक लगे हैं, उनको देख के एक दहशत सी होती है और लगता है कि हाँ ये जो विलन है ये सलमान खान के सामने आने लायक है, तो सुदीप ने इम्प्रेस किया है। आइए फिल्म की फाइनल रेटिंग की बात करते हैं। तो क्रिटिक्स लोग इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और सलमान के फैन जो हैं वो इसकी किसी भी कमियों पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें फिल्म अच्छी ही लगेगी। मैं इन दोनों के बीच में हूँ क्योंकि मैं क्रिटिक भी हूँ और मैं सलमान का फैन भी हूँ, तो मैं ऑनेस्ट रहूँगा और मैं फिल्म को रेटिंग दूंगा 3, क्योंकि क्रिटिक्स लोग शायद इसको 1 या 2 देते और इसके फैंस जो है या 4 या 5 देते हैं। मैं इन दोनों के बीच में इसलिए हूँ क्योंकि कहानी और स्क्रीन प्ले में इतना दम नहीं है, लेकिन फिल्म मनोरंजक है। अगर इसमें आप दिमाग को छोड़ के देखें, कोई लॉजिक नहीं लगाएं, कोई सेंस नहीं लगाएं, तो ये फिल्म मनोरंजक है क्योंकि फिल्में मनोरंजन के लिए होती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी हो या कोई सेंसिबल मूवी देखनी हो तो आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो उस पॉइंट को देखते हुए मेरी रेटिंग फिल्म की मैं बोल चुका हूँ आपको, बच्चे देख सकते हैं फिल्म को और बच्चे शायद इन्जॉय करेंगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते फिल्मों में। तो अगर आप सलमान के फैन हैं या आपने पिछली दबंग फिल्मों को पसंद किया है या आप सलमान की फिल्मों को पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को अवश्य देखिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बाकी लोग इस फिल्म को स्किप कर सकते हैं।